CNN 24 चॅनलवर मी क्रांती धोटे आपल्या सर्वांना नवरात्र पर्वाची, नवरात्र शक्तीच्या देवीची, पूजेची, अर्चनेची आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देते. जय हिंद, जय विदर्भ. हाय, मैं उमामा अहमद और आप देख रहे हैं INN 24 इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क. Hi everyone, I'm Neha Shahu and you're watching INN 24 International News Network. I'm Swati Banerjee and you're watching INN 24 International News Network. नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी. सबसे पहले मुख्य सुर्खियां. छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्कूल प्रबंधक ने दो बच्चों को बनाया बंधक, पुलिस ने कराया मुक्त. झारखंड के DGP ने दो माह में राज्य से नक्सल समस्या खत्म करने का किया दावा. और कलेक्टर जनदर्शन में कर्ज में डूबे किसान ने खाया जहर, अस्पताल में मौत, छत्तीसगढ़ के जांजगीर का मामला. झारखंड के लोहरदगा जिले में 18 सितंबर झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा, जहां पुलिस के कार्यों में तीव्रता एवं तीक्ष्णता लाने के लिए न केवल अनुसंधानकर्ता को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित किया गया, बल्कि सामग्रियों से सुसज्जित अनुसंधान केंद्र को उन्हें समर्पित कर अनुसंधान एवं अभियोजन को मजबूत करने का प्रयास किया. इस सम्मेलन में प्रशिक्षण देने के लिए पूरे राज्य से विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ, यथाविधि विज्ञान प्रयोगशाला रांची, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, यूनिसेफ, साइबर थाना रांची एवं कई अन्य विधि विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. सम्मेलन का शुभारंभ सूबे के पुलिस महानिदेशक DK पांडे एवं पुलिस महानिरीक्षक रांची के कर कमलों द्वारा किया गया. झारखंड के लोहरदगा में DGP DK पांडे का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने 60 दिनों में झारखंड से नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया है. DGP ने कहा, नक्सलियों के लिए गोली की कमी नहीं होगी. अब समय आ गया है कि CRPF नहीं, झारखंड पुलिस खुद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े. वे लोहरदगा में अनुसंधानकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. साथ ही लोहरदगा में अपराध नियंत्रण को लेकर 12 सॉफ्टवेयर आधुनिक अनुसंधान केंद्र का भी शुभारम्भ किया है. झारखंड में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दिसंबर 2017 हमने मुकर्रर किया है और इस दिशा में हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं. इसी दिशा में हमने मिशन 200 लॉन्च किया है. मिशन 200 का मतलब यह है कि झारखंड के जितने हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हैं, सबके साथ स्मॉल एक्शन टीम बनाकर प्रशिक्षित कर आपके साथ उनका प्रशिक्षण करके आपको मुहैया कराना मिशन 200 है. ऐसे ही सूचना मिलेगी किसी उग्रवादी की, किसी नक्सली दस्ते की, थाना प्रभारी की सैट, इंस्पेक्टर साहब की सैट और DYSP की सैट, तीनों एक साथ कन्वर्ज होकर के उस पे आक्रमण करने का काम करेंगे. बिहार में नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के आदर्श मध्य विद्यालय स्कूल में अचानक पढ़ते पढ़ते 10 छात्राएं बीमार पड़ गई. घटना के संबंध में 5वीं क्लास की छात्रा सुमन कुमारी ने बताया कि पढ़ने के दौरान पेट दर्द और सर दर्द की शिकायत हुई. देखते ही देखते पास में पढ़ रही 10 अन्य छात्राओं को भी पेट दर्द और सर दर्द की शिकायत शुरू हो गई. हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही स्कूल प्रबंधन के द्वारा बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें दो छात्राओं को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने निजी क्लिनिक में रेफर कर दिया. डॉक्टर ने इस मामले में बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी से दर्द और सर दर्द की शिकायत आम बात है, कभी कभार ऐसा हो जाता है. फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना को लेकर परिजनों में काफी रोष देखा जा रहा है. अर्जेंट विद्यालय में अगर हम पढ़ते क्लास 5 पढ़ते, माथे में दर्द हुआ था तो सब मैडम नीचे पकड़ के लाए और सर लोग नीचे पकड़ के लाए. कितने लोग को हुआ? 10 लोग. सबको क्या हुआ? सबको एक ही चीज हुआ, कुछ खाई पेट में भी दर्द. कुछ खाई भी थी?
अलग अलग बच्चों में अलग अलग सिम्टम है, किसी को माथा दर्द है, किसी को पेट दर्द है, किसी को चक्कर आ रहा है, तो ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जैसे जाँच उच हुआ तो कुछ थोड़ा हीमोग्लोबिन कम होने से भी हो सकता है। एक साथ इतने बच्चों में हुआ है, एक ही जगह अलग अलग गांव के हैं, तो क्या लगता है? एक ही स्कूल में न हुआ है, मरड़ा स्कूल में हुआ है। हाँ, तो उस देखा देखी भी हो सकता है कि इसको हो रहा है प्रॉब्लम, हमको भी होने लगा। कभी पहले तो ऐसा नहीं रिपोर्टिंग हुआ, एक बच्चे को शायद चक्कर आया था तो बेहोश हो गया था, उसके बाद ही सबको सिम्टम डेवलप किया। झारखंड में गुमला जिले के रायडी थाना इलाके में बुरजोडी जंगल से प्रतिबंधित संगठन PLFI के एरिया कमांडर और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित संगठन PLFI दस्ता के कुछ उग्रवादी अपने दस्ता के साथ बुरजोडी जंगल में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद बुरजोडी जंगल में PLFI दस्ता होने की गुप्त सूचना पर SB चंदन झा के निर्देश पर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया, जिसमें एरिया कमांडर मोहन महली, ग्राम कसीर थाना गुमला व बंधना प्रधान ग्राम बुरजोडी थाना रायडी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 पिस्टल, 1 गोली व संगठन पर्चा पुलिस ने बरामद किया है। अपने कुछ साथियों के साथ रायडी थाना के बुरजोडी जंगल के पास रुका हुआ है और कुछ भविष्य के लिए कुछ योजना बना रहा है। जिस सूचना का आदान प्रदान थाना के साथ किया गया और थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम बनाई गई और उस टीम बनाने के बाद उस पर रेड किया गया, जिसके रेड करने के क्रम में उन्हें पता चला कि पुलिस आई है तो लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा की पूरी टीम ने, उसके बाद वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें एक मोहन महली एरिया कमांडर है और दूसरा उसका साथी बंधना प्रधान नाम है। दोनों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों के पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा और दोनों उनकी गोलियाँ मिली। PLFI का पर्चा मिला है जिसको वो लोग लेवी में यूज़ करते थे और इस तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट PLFI का एरिया कमांडर की गिरफ्तारी करने में गुमला पुलिस सफल। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जनदर्शन में एक अधेड़ शख्स जहर पीकर पहुंचा और कलेक्टर के सामने गिर पड़ा। आनन फानन में उसे जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है मृतक कर्ज के बोझ से दबा हुआ था और साहूकारों को रकम चुकाते चुकाते उसकी माली हालत खराब हो चुकी थी, जिसकी शिकायत करने वह कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचा मगर जहर पीकर। दरअसल चांपा थाना क्षेत्र के कुर्दा गांव का रहने वाला जगदीश बघेल एक छोटा किसान था। उसके पास महज 1.5 एकड़ खेत था और वह भी उसके ही किसी रिश्तेदार के पास गिरवी था और यही वजह बनी उसके इस खौफनाक कदम उठाने के पीछे की। जगदीश की मौत से जिला प्रशासन थर्राया हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक बेरोजगारी से परेशान पिता ने अपने 3 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगाई थी, जिसमें पिता सहित एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। वहीं 72 घंटे के अंदर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ने शासन प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन ने मृतक के आवेदन के आधार पर आधा दर्जन सूदखोरों के खिलाफ पुलिस को मामला सौंप दिया है। जगदीश बघेल जनदर्शन कक्ष में नहीं पहुंच पाए थे, अन्य व्यक्तियों के समान जो जनदर्शन में आवेदन देने आए थे वो भी बाहर में थे। उसी समय पता चला एक व्यक्ति के मुंह से झाग निकल रहा है, जिसे तत्काल SDM साहब ने अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल में भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ, पेट भी साफ किया गया, कॉन्शियस में थे। कुछ समय इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास से जो कागज बरामद हुआ बाद में पता चलने के बाद, उसके अवलोकन से ये लगता है, अभी स्थिति पूरी क्लियर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी प्रथम दृष्टया ये लगता है कि वह जगदीश बघेल साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ था। यहाँ जब आया उस समय लगभग आधे घंटे का समय था कि जहर पी लिया था उसने। यहाँ पे हमने तुरंत इलाज चालू कर दिया था, उसके बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जैसे हमने लवाज करने पे मिला कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पी लिया था जहर उसने।
जहर का अलग अलग जहर का अलग अलग एक्टिंग टाइम होता है और मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि शरीर में कितने देर तक असर करेगा। काफी ज्यादा मात्रा में पी लिया था उसने। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दिनांक 18 सितंबर 2017 को थाना एड़का की जिला बल एवं सशस्त्र बल की पुलिस पार्टी द्वारा उच्चाकोट से दो वारंटी नक्सली सोमारू उर्फ रंजीत एवं गंगाराम को गिरफ्तार किया। वर्ष 2006 एवं 2008 में हत्या का प्रयास, आगजनी, तोड़फोड़ जैसे घटना कर फरार थे। रंजीत के ऊपर पूर्व से पुलिस अधीक्षक द्वारा 3,000 रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला पुलिस को एक इनामी सहित दो वारंटी नक्सलियों को सोमवार की तड़के पकड़ने में सफलता हासिल हुई। विगत कई महीनों से चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियानों के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उक्त कार्रवाई जिला एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के द्वारा की गई। गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए नारायणपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि ग्राम उच्चाकोट थाना एड़का की ओर से जिला एवं सशस्त्र बल को रवाना किया गया था। इस दौरान घेराबंदी कर सोमारू कावड़े उर्फ रंजीत एवं गंगाराम सलाम को पकड़ा गया। दोनों नक्सली क्रमशः किसकोड़ो IOS और उच्चाकोट रेंज कमेटी के सदस्य हैं। न्यायालय के द्वारा पूर्व में भी इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उक्त नक्सली सोमारू को वर्ष 2007 में नक्सली कमांडर सुभाष द्वारा बतौर संगठन सदस्य शामिल किया गया था। इस दौरान वह पुलिस के आने की सूचना नक्सलियों को देता, नक्सली संगठन का प्रचार प्रसार, मीटिंग की जानकारी ग्रामीणों को देना इत्यादि कार्य में संलिप्त था। इसके पास सिंगल शॉट हथियार भी मौजूद था। वर्ष 2011 में मंचार मुठभेड़ को छोड़कर सोमारू LOS छोड़कर वापस जनताना सरकार सदस्य के रूप में कार्य करने लगा। वर्ष 2008 में भरंडा के पास BSNL वाहन को रोककर जलाने, मशीन एवं अन्य सामग्री लूटने सहित अन्य घटनाओं में शामिल था। नारायणपुर जिले के एड़का थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर निकले जवानों ने जंगलों से दो स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। 2006-2008 में आगजनी हत्या का प्रयास, कई गंभीर आरोप में कई थानों में मामला दर्ज था। गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस अहम जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। नक्सली गतिविधियों की जानकारी भी निकलकर सामने आ सकती है। विजय पचौरी, INN24, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक माओवादी गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार माओवादी पोडियम मारा पर कई आपराधिक मामले बासागुड़ा थाने में पंजीबद्ध है। जिला बल एवं कोबरा के जवानों की संयुक्त कार्यवाही से बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पाकेला के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में JK वर्ल्ड स्कूल में दो बच्चों को दो घंटे तक बंधक बनाया गया। फीस नहीं भरने के कारण बच्चों के पालकों को स्कूल बुलाया गया। पालकों के आर्थिक कमजोरी का भुगतान बच्चों को करना पड़ा। दो घंटे तक बच्चे भूखे प्यासे रोते रहे। INN24 न्यूज के टीम के पहुंचने के बाद बच्चों को छोड़ा गया। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। बिहार के बक्सर में GRP रेल पुलिस वरीय अधिकारियों के निर्देश पर त्योहारों के मौसम को देखते हुए ट्रेनों में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक शराब तस्कर को पैसेंजर ट्रेन से 340 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को युवक पर तब शंका हुआ जब ट्रेन रुकने के बाद वो गलत दिशा से ट्रेन से उतर रहा था। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से 340 बोतल शराब मिली। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह लंबे समय से शराब की होम डिलीवरी करता था। यूपी से शराब लाकर बक्सर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों के पास पहुंचाया करता था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है कि और कौन कौन लोग उसके साथ इस धंधे में लिप्त है। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार दशहरा और ये विश्वकर्मा पूजा को देखते हुए आदेश है कि शराब का चेकिंग किया जाए और रूटीन के हिसाब हम लोग सुबह शाम शराब का चेकिंग करते हैं। जो सुबह में विभूति एक्सप्रेस का टाइम था सुबह रात 8 बजे, लेकिन वो गाड़ी लेट होकर सुबह में आज पहुंची ये बक्सर, तो हम लोग लगे हुए थे रेस्क्यू में। तो ये एक आदमी जो है 3 बैग लेकर के पीछे में उतरा, पीछे में रॉन्ग साइड से उतरा। रॉन्ग साइड के उतरने के आधार पर हम लोग इसने पकड़ लिया कि तब बैग लेके उतरा। जब चेक किया गया तो उसमें शराब, कितना शराब मतलब 340 पीस था। झारखंड में रांची के मेडिका से आए डॉक्टरों की टीम ने बालूमाथ शिवम अस्पताल में हड्डी रोग और हृदय रोग से संबंधित करीब सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क इलाज किया और परामर्श दिया, जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपनी बीमारी डॉक्टर साहब के सामने रखी और उनसे परामर्श लिया।
जहां स्पॉट में ही कुछ लोगों का इलाज कर दिया गया और ज्यादा गंभीर बीमारी की स्थिति में उन्हें रांची स्थित मेडिका में दिखा लेने की परामर्श दी गई। इस दौरान लोगों में काफी जागरूकता दिखी और अपना इलाज करवाया। यहां पर दो बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हड्डी से संबंधित रोगों की जाँच यहाँ की जा रही है और दूसरा है हृदय रोग से संबंधित रोगों की जाँच की जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि हृदय रोग से कैसे बचाव किया जाए, क्या लाइफ स्टाइल अपनाया जाए जिससे हृदय रोग से हमें बचने में सहायता मिलेगी। झारखंड में लातेहार जिले के बालूमाथ में दुर्गा पूजा को लेकर चल रही तैयारियों में पंडाल बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसमें बंगाल और झारखंड की सीमा जामताड़ा से आए करीब 15 मजदूर इस काम में लगे हुए हैं और रात दिन एक करके काम को अंजाम दे रहे हैं। मंदिर की शक्ल का यह पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा और यह बालूमाथ बरियातू और हेरहंज प्रखंड का सबसे बड़ा पंडाल है। ज्ञात हो कि तीनों प्रखंड में बालूमाथ बड़ा ही प्रखंड है, जिस कारण यहां दशमी को भी बड़ा मेला लगता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी इस मेले में पहुंचकर इसका आनंद उठाते हैं। हम लोग जामताड़ा जिला से आए हैं, झारखंड से, बंगाल और झारखंड में बॉर्डर में हैं हम लोग। यहाँ पंडाल का हम लोग कैटलॉग मिला है जिसके द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग करीब 14 से 15 हेल्पर काम कर रहे हैं, इसका मेन मिस्त्री हम है। ये बालूमाठ बस स्टैंड में काम हो रहा है, इसमें करीब 15 से 20 आदमी काम कर रहे हैं। झारखंड में कोडरमा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शिल्प कला के प्रभुता भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। कई जगहों पर भव्य पंडाल व आकर्षक प्रतिमा स्थापित कर क्षेत्र के विभिन्न छोटे बड़े कल कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा छोटे बड़े वाहनों के मालिकों द्वारा पूजा का आयोजन कर भक्तिभाव के साथ धूमधाम से मनाया गया। वहीं कई स्थानों पर रात्रि भक्ति जागरण, ऑर्केस्ट्रा आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बिहार के बक्सर में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट के तत्वाधान में जिले भर से पहुंची रसोइयों ने मानदेय वृद्धि को लेकर जिला समाहरणालय का घेराव किया और जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रसोइयों का आरोप है कि कई वर्षों से उन्हें मामूली मानदेय पर कार्य कराया जाता है, जिसके कारण उनके और उनके परिवार का भरण पोषण कर पाना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर भी मनमाने तरीके से कार्य करवाने का आरोप लगाया है। सैकड़ों की संख्या में समाहरणालय भवन के समक्ष रसोइयों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद किया। रसोइयों की मांग थी कि उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 किया जाए। रसोइयों के घंटों प्रदर्शन के कारण समाहरणालय का गेट पूरी तरह से बंद रहा और इस दौरान ना ही कोई अंदर जा सका और ना ही कोई बाहर आ सका। मौके पर पहुंचे एमडीएम प्रभारी और एसडीओ ने संयुक्त रूप से वार्ता कर सभी को आश्वस्त कराया कि उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और जल्द से जल्द इस समस्या का निदान निकालने की कोशिश की जाएगी। काफी समझाने बुझाने के बाद रसोइयों का गुस्सा शांत हुआ और वे समाहरणालय भवन के सामने से हटने को तैयार हुए। आश्वासन उनका मांग पत्र लिया गया है और जिसमें जो नियमता जिन्यून मांग होगा उस पर है तो सरकार विचार कर रही है, उनको दिया जाएगा पूरा। और साथ ही साथ डीओ को बोला गया है कि जो उनका जो पर्व त्यौहार का समय है अगर तो अलॉटमेंट आ गया है तो नियमता उनका भुगतान समय रहते कर दे ताकि वो भी अपने परिवार के साथ उल्लासपूर्ण वातावरण में दशहरा मना सके। हम लोग खिचड़ी बनाते हैं सर, हमारी सरकार 1,000 चाहिए। हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांग को पूरा करे वरना इसे बंद कर क्या मांग तो हम जन आंदोलन कर देंगे। अब आगे रेल का चक्का भी जाम करेंगे। क्या मांग है? हमारा मांग है 1,000 में कम नहीं, 10,000। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में हाई स्कूल परिसर स्थित बुक डिपो में रखे हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल ओपन परीक्षा की सैकड़ों पुस्तकें चोरी हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर प्रिंसिपल ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दरअसल कुछ युवक द्वारा हाई स्कूल के पीछे स्थित बुक डिपो के शटर का ताला तोड़कर वहां रखे ओपन स्कूल की किताबों को पार कर दिए। कुछ लोगों ने बुक डिपो से पुस्तक ले जाते हुए कुछ लोगों की तस्वीरें भी कैमरे में कैद की और स्कूल के प्राचार्य को भेजा और कई ग्रुप वायरल भी किया। जानकारी मिलने पर प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे, तब उन्होंने पाया कि बंद डिपो का शटर टूटा था। वहीं अंदर जाकर देखा तो यहां के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल की सैकड़ों पुस्तकें गायब थी। प्रिंसिपल ने घटना की जानकारी जांजगीर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जाँच की। पुलिस ने प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
राज्य छत्तीसगढ़ ओपन परीक्षा की पुस्तकें थी और जो है वो अगस्त में वितरित की गई थी। अगस्त के वितरित करने के बाद कुछ पुस्तकें यहाँ पर शेष रह गई थी और जो अज्ञात लोगों ने ताला तोड़कर वो जो है यहाँ से निकाल ली गई। सूचना मिलने पर हमने वो थाना में FIR दर्ज करा दी। जो DO साहब से मांग की जाएगी कि कोई हमको जो है वो दें, चौकीदार दें, जिससे यहाँ की पिछली किताबों की सुरक्षा की जाए, उनसे लिखित में जो है चर्चा की जाएगी। वो हाईस्कूल क्रमांक एक जांजगीर के प्रिंसिपल शर्मा साहब हैं, उन्होंने एक शिकायत पत्र प्रेषित किया हमारे यहाँ की उनके इस विद्यालय में उधर जो रखा था स्टोर में, उसमें से उसका ताला टूटा पाया तो जाके चेक किए हैं किताबों का मिलान कराने से उसमें 1130 किताबें कम मिली हैं। तो उन्हें अंदेशा है कि ये 1130 किताबों की चोरी हुई है, तो उन्होंने शासन की एक शिकायत दी है जिसमें हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और मामले की जांच की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें INN24 पर। नमस्कार। Hi, I'm Nikita Sharma and you're watching INN24. Hello, this is Palak Nas and you are watching INN24. Hi, my name is Pooja Sharma and you're watching INN24.